शिवरात्रि वहाँ में पशुपतिनाथ के दर्शन। हाँ हाँ वहाँ जाने के बाद उस दिन वो बंदी थी, तो उस बंदी का मतलब क्या है, क्यों बंद था नेपाल? देखिए वहाँ MCC के कारण पूरा नेपाल बंद था, आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से। MCC का अर्थ है कि मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन। मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन ये 2004 में अमेरिकी संसद के द्वारा पास किया गया था, और इसमें यह किया जाता है कि जो हमारे विकासशील देश होते हैं उन विकासशील देशों को एक बड़ी मात्रा में रकम दी जाती है। तो उसमें हमारे दक्षिण एशिया में जैसे श्रीलंका था, उसके बाद में फिर नेपाल को ये MCC के तहत एक बड़ी धनराशि दी जा रही है, और ये 500 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर में ये धनराशि दी जा रही है। ये वहाँ के जो विद्युत लाइनें हैं, जो सड़क है, उसके विकास के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन वहाँ के लोग इस बात से सशंकित थे कि ये अमेरिकी पैसा जो नेपाल में आ रहा है कहीं इसके दुष्परिणाम ना उनको भोगने पड़ जाएं, और उनकी शंका जो थी वो शंका जायज है। और इसके पीछे कारण ये है कि ये MCC जो लागू किया गया ये 2013 में अमेरिकी सरकार ने सर्वे कराया, और 2014 में MCC परियोजना को वहाँ पर मंजूरी मिली। 2017 में वहाँ के संचार मंत्री जो ज्ञानेंद्र कार्की थे उनके साथ और MCC के अमेरिकी प्रमुख के साथ एक हस्ताक्षर हुआ, और लेकिन अब चूंकि ये धनराशि बड़ी थी इसलिए संसद की मंजूरी मिलनी जरूरी थी, तो संसद की मंजूरी मिलने में बहुत लंबा टाइम लग गया, और 27 फरवरी को रविवार के दिन नेपाल की संसद ने इस बड़ी परियोजना को पास कर दिया, और वहाँ के जो संसद के अध्यक्ष हैं अग्नि प्रसाद सापकोटा, उन्होंने इस बात की घोषणा की कि हमारे संसद ने इसकी मंजूरी दे दी। हालांकि विपक्षी दलों ने बहुत बड़ा विरोध किया था, UML और CPN और ये सभी लोगों ने वहाँ पर, तो उसी के चलते वो 28 तारीख को वहाँ पर बंदी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम गए। अब वहाँ पर सबसे बड़ी जो लोगों के अंदर चिंता है वो चिंता इस बात को लेकर है, और चिंता जायज भी है कि 130 करोड़ डॉलर अमेरिकी डॉलर नेपाल को अपने ओर से लगाना है, 500 करोड़ डॉलर अमेरिका उनको देगा। अब अमेरिका के लिए वो नेपाल एक उसका काउंटर हो गया है, एक उसका अपना अड्डा बन गया। दूसरी बात, प्राकृतिक संसाधन के मामले में नेपाल बहुत धनी देश है, तो वहाँ के प्राकृतिक संसाधन इस परियोजना से कहीं नष्ट न हो जाए, क्योंकि जब सड़कों का विस्तार होगा, जब विद्युत लाइनों का विस्तार होगा, तो पेड़ कटेंगे, जंगल कटेंगे, ज़मीन जाएगी, लोगों की ज़मीनात जो पहले गई हैं उनका अभी तक के बहुत सारा मामला मानवाधिकार में पड़ा है, लेकिन अभी तक के उनके मुआवजा नहीं मिल पाए हैं, बहुत सारी दिक्कत उनको आ रही है। तो ऐसे में जो भविष्य में ये परियोजना जब लागू होगी तो उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है, लेकिन इससे विकास भी उनका हो सकता है, पर्यटन बढ़ सकता है, रोडें कनेक्टिविटी अच्छी हो सकती हैं, इससे शिक्षा बढ़िया बेहतर हो सकता है, और ये वहाँ का हालात सुधर सकता है। अब इसको लागू करने में एक चीज़ की निगरानी ये करनी पड़ेगी कि वहाँ पर ये नेताओं के द्वारा इसमें भ्रष्टाचार न कर लिया जाए, नंबर एक, क्योंकि परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है, बड़े लागत की परियोजना है। दूसरी बात, वहाँ का प्राकृतिक जो संसाधन है वो नष्ट न होने पाए, लोगों की जमीनात अगर जाएं तो जाती हैं तो उसका उनको मुआवजा मिल सके। तो अच्छी परियोजना है, लेकिन ज़रूरत है कि बहुत ईमानदारी के साथ इसको लागू किया जाए, और भारत को इससे खुशी होगी कि नेपाल वो अपनी तरक्की करे। हम सभी भारतीय नेपाल के उत्तरोत्तर समृद्धि की कामना करते हैं, इसी नाते चूँकि वो हम लोगों का एक पूर्ण क्षेत्र है, और हम लोग वहाँ पर पशुपतिनाथ दर्शन करने के लिए, बौद्ध स्तूप दर्शन करने के लिए बहुत सारे नील वहाँ पर जाते हैं मुक्तिनाथ दर्शन करने के लिए। तो हम लोगों की इच्छा है कि
नेपाल आगे बढ़े समृद्धि के साथ, लेकिन उसकी अपनी जो संप्रभुता है वो मौजूद रहे, बरकरार रहे। कितना बड़ा है भैया वीडियो।